आयुष्मान, नुशरत, आपके बारे में कुछ अफवाहें हैं मार्केट में फैलती रहती हैं, स्टार लोग हैं आप, तो हम आपसे कंफर्म करना चाहते हैं. आयुष्मान भाजी, एक अफवाह है कि जब से आपने ये रोल किया है आपको गॉसिप करने की आदत हो गई है. भाजी पता है गॉसिप करने की आदत हर एक को होती है. हाँ, किसके साथ करते हो आप वो डिपेंड करता है. बहुत दो तीन लोग होते हैं जिसके आप जी भर के बोल सकते हो. बिल्कुल, आदत तो शुरू से ही थी मतलब, पर लोग लिमिटेड ही हैं जिनके साथ मैं करता हूँ. वेरी ऑनेस्ट आंसर, शुक्रिया. नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह कि आपके जन्म के बाद जब आप रोई तो डॉक्टर को लगा कि नुसरत साहब गा रहे हैं तो इसलिए आपका नाम नुसरत पड़ा. इज इट ट्रू? आई वुडंट नो, बट मुझे याद नहीं होगा ना, बहुत छोटी होंगी तब तो. हाँ करेक्ट, एक मिनट की होंगी तब. क्या मिनट की? क्या एक्चुअली? तो ये अफवाह मतलब ये मामला बीच में ही है, कंफर्म नहीं है. ओके नुसरत, एक अफवाह ये है कि आप नहीं चाहती कि आपका टैटू जो है वो कोई कॉपी करे, इसलिए आप छुपा के रखती हैं. टैटू है? तीन टैटू है. अच्छा, क्या क्या टैटू है, मतलब क्या बनवाया आपने? एक बटरफ्लाई फेरी है, एक फीनिक्स है, बड़ा सा बर्ड. फीनिक्स मिल्स नहीं, फीनिक्स बाहर का बर्ड है कोई. इट्स अ बर्ड दैट राइजेस आउट ऑफ एशेस, मतलब एशेस में से, राख में से, प्रिजर्व राख में से एक कुछ जीवित होकर निकलता है एज होप एंड लाइक. आई नो इंटरनेशनल बर्ड्स, राइट? एंग्री बर्ड्स. एंग्री बर्ड्स, यस. एंड थर्ड टैटू का नाम है सुपरनोवा. सुपरनोवा, जो एक सितारा बहुत सारों में बनता है और फिर बर्स्ट हो जाता है ताकि और लाखों सितारे बने. आई डोंट नो, आई टेल यू, व्हाट अ पढ़ी लिखी हीरोइन वी हैव. दैट्स नाइस. पाजी, आपके बारे में फाया कि आप अपनी पॉकेट मनी के लिए पश्चिम एक्सप्रेस में भी गाना गाया करते थे. ये क्या फाया? ऐसा नहीं था, हुआ ये था कि हमारा थिएटर ग्रुप था. हाँ जी. जब चंडीगढ़ से मुंबई आते थे पश्चिम एक्सप्रेस, पंजाब मेल, तुम सारे जो 10-15 लड़के थे ना, हम 3-4 गिटारिस्ट थे और सब गाते थे ऑलमोस्ट. तुम गाते थे ट्रेन में और लोग खुशी खुशी हमें पैसे देते थे और इतने पैसे इकट्ठे हो जाते थे. आउटस्टैंडिंग. या या. और टीसी बोलता था कि आपको ना फर्स्ट क्लास में डिमांड आई है आप लोगों की. तो सेकंड क्लास स्लीपर में जाते थे, तो फर्स्ट क्लास में जाते, एसी कंपार्टमेंट जाते थे और वो पता नहीं कभी 500 रुपए, कभी 100 रुपए, 1000 रुपए इकट्ठे हो जाते थे. तो गोवा का ट्रिप स्पॉन्सर हो जाता था हमारा फ्री में बॉम्बे के बाद. नुसरत, आपके बारे में ये अफवाह कि आप अपने मम्मी पापा की इकलौती संतान हैं. जी. तो बोलते हैं कि क्योंकि आप 15 साल की उम्र तक भी अपने मम्मी पापा के बीच में सोती थी, इसलिए आप इकलौती. आई मीन 15 साल. जी हाँ. ओ माय गॉड. बट ये ऐसी सी बात है कि पापा अपना पूरा काम, मतलब काम की जगह पे उन्होंने बेडरूम बना लिया था, तो मम्मी और मेरा बेडरूम बन गया था. वो मैंने स्टील कर लिया था उनका बेडरूम. बड़ा था यार, मोर स्पेस, मोर अलमीराज, मोर प्लेसेस फॉर शूज एंड क्लोथ, सो चोरी कर लिया. आपने बधाई हो, देखिए. अब चांस दो, क्या पता. यू नेवर नो, नेवर नो. मम्मा को इकट्ठे बेडरूम भेजो, मम्मी पापा. राइट. ओके. उनको एक कविता वाली बुक लेके दे दो, कविता पढ़े. यार ये बड़ी इंटरेस्टिंग है अफवाह पाजी. अफवाह ये है कि जो आपकी छाती के बाल हैं वो दाढ़ी के बाल से ज्यादा तेज उगते हैं. ये गलत अफवाह है. पर पाजी आपने कभी नोट किया है, मतलब कितनी नोट किए? हाँ, दाढ़ी ज्यादा लगती. बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन अफवाहों को क्लियर करने के लिए. इतना मेरा आदर करने की जरूरत नहीं, बेचाइए. Too much respect मेरे को handle नहीं होते. Please, please बेचाइए. मेरे को pressure अब भाई. All right. नहीं. So, लेकिन आपको मेरा बहुत-बहुत नमस्ते. आपको भी नमस्ते. सोफा जी, श्रीमान जी, आपको भी नमस्ते. सोफे को श्रीमान कौन बोलता है? ये देखो, ये आदमी कितना गलत है. केबीसी आप देखे अमिताभ बच्चन जी का, वो कंप्यूटर का महोदय बोलते है, आपका आपत्ति नहीं निकलता है. आपत्ति नहीं निकलती. मैं सोफा को जरा श्रीमान बोलते, इसका आपत्ति निकल रहा है. लेकिन सर, आयुष्मान जी, आप इधर दोबारा आए, मेरे वो दोनों निकल गए यार. क्या हर्ष और उल्लास, हर्ष उल्लास निकल गए. मैं बहुत खुश हुए.
आप लास्ट टाइम इधर आर्टिकल 15 लाए थे yeah. आपको शायद पता भी ना है आपका आर्टिकल 17 भी आ गए है hmm? मतलब आर्टिकल 17 मतलब लास्ट टाइम 15 लेके आए थे पर नेशनल अवार्ड मिले पेपर में एक और आर्टिकल आए फिर ड्रीम गर्ल का एक और आर्टिकल गए 15 प्लस 2 17 आ गए yeah, bro. Like it, sir. आपको इससे बड़े नेशनल अवार्ड मिले Come on, एक खुशी के मौके पे कम से कम मेरा मुंह में कुछ मीठा तो टूसो मीठा है मीठा इट्स क्वाइट स्वीट दैट्स नाइस या लेकिन सर मैं आपका प्रोमो देके मैम फिल्म का प्रोमो देके फिल्म में आप दोनों का दोनों हीरोइन है देख के मेरा अचंभे निकल गए यार अचंभे निकल गए मेरा अचंभे निकल गए दोनों हीरोइन नहीं है ये हीरोइन है ये हीरो है लेकिन ये लड़की बनते हैं सर आप फिल्म में लड़की बनते हैं हाँ या तो ये फिल्म तुमने बनाया कपू शर्मा लड़का को लड़की बनाने का अद्भुत काम सिर्फ यही कर सकते हैं आयुष्मान जी को पूजा बना दे है सिद्धू जी को अर्चना बना दे है इधर पूजा उधर अर्चना इतना पूजा अर्चना हो रहा है मैं कॉमेडी शो में आए कि भक्ति शो में आए और कुछ बनाना चाहते हैं कुछ बनाना चाहते अच्छा तू लंदन में रहा कर तेरा दिमाग खराब हो जाता है इधर आके सर आपका फिल्म में आपका एक डायलॉग है yep. कि माँ बनने के अलावा आप सब कुछ कर सकते हैं दैट्स राइट लेकिन सर मैं आई शपथ के साथ आपको बताते आए कि एक और काम है जो आप नहीं कर सकते लाइक yeah. व्हाट like इस आदमी का मुंह बंद ये आदमी का मुंह बंद हो ही नहीं सकते मतलब सवाल ही प्रेग्नेंट नहीं होते अबे प्रेग्नेंट नहीं डिलीवर डिलीवर सवाल ही पैदा नहीं होता डिलीवर हाँ तो पहला प्रेग्नेंट होएगा तभी पैदा होएगा ना अच्छा तेरे को एक बात बोली थी हाँ बोलिए ना चल निकल यहाँ से सो ये जो तरीका से मैं से बात करते हैं ये मेरे को बहुत वो लगते हैं क्या वो सर क्या होते हैं वो दाल चावल का ऐसा बड़ा बड़ा तेली में लेके आते हो बड़ा तेली को क्या बोलते हैं बोरा हाँ बहुत बोरा लगते हैं मुझे बहुत बोरा तो लगते क्यों रोज बक बक करने आ जाता है फिर ए? बक बक मैं इंसान है तो बक बक ही करेगा मैं घोड़ा थोड़ी है जो तक बक करेगा चलो अभी बो हुए अब थोड़ा बात करेंगे नुसरत से ऊपर वाला आपको बना है बहुत ही फुसरत से फुसरत नहीं फुर्सत होता है एक बार और मेरे को टोके ना तो मैं अपना बम डिगी डिगी बम लेके तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगी मैं आपको बता रहे मैम आप बहुत ही ब्यूटी सूरत है या तो ब्यूटीफुल बोल या खूबसूरत बोल ये क्या आधा हिंदी आधा अंग्रेज बना फिरता है तो तुम इधर आधा लड़का आधा लड़की बना के इतना घुमा रहा है शो में लोग तुम्हें कुछ बोला क्या देखो दोस्त मित्र जिनका घर पत्थर का होता है ना दूसरों के घर पर ऐसा शीशा नहीं फेंकते अबे उल्टा बोल रहा है जिनके घर शीशे होते हैं दूसरों पे पत्थर नहीं फेंकते पत्थर तुम्हारे है क्या नहीं ना शीशा तुम्हारे है no. नहीं तो तुम्हारा दिक्कत क्यों निकल रहे है जिसको फेंकना है फेंकने दो जिसका टूटना है टूटने दो तुमको क्या है और अभी देखो मेरे को और तुम सिक्का है ना तो फिर पत्थर मेरे होएगे शीशे तुम्हारे होएगे अभी इधर देखो मुआवरा भी सही है मौका भी सही है मेरा हिंदी भी सही है बात कर रहे यार मैम मैं आपको बोल रहे थे मैं आपका एक फिल्म देखने का बहुत कोशिश कर रहे थे लेकिन मैं पता नहीं क्यों उसको देख ही नहीं पा सक रहे थे देख नहीं पा सक रहे थे क्यों कौन सी फिल्म नहीं देख पा सक रहे थे आपका फिल्म आई थे सोनू एक ही थोड़ी थी बीते अगेन 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 कौन सी सोनू एक ही थोड़ी बीते नो नो ये लाइक सोनू एक ही थोड़ी बीते सोनू एक ही थोड़ी बीते सोनू ने ट्वीटी टू ट्वीटी भाई सोनू के टीटू की स्वीटी वही वही कौन सी
दोनों डटवे डटवे डे मैं बार-बार थिएटर में जाते थे मैम मैं बोलते थे मेरे को दोनों डटवे डटवे डे देखने हैं वो बोलते थे क्या देखने हैं मैं बोलते थे डटवे 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 डे हम्म ओ कौन सी फिल्म डटवे 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 डे वो मेरे को टिकट नहीं दे रहे मैं फाइनली पेपर पे लिख के गए मैं बोला ये देखो ये तो 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 ट्वीट 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 ये मेरे को देखने हैं तभी वो मेरे को टिकट दिए फिर मैं देखे फिल्म कौन सी फिल्म फिर देखने के बाद याद हो गया नाम नाम मेरे ट्वीट 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 माइंड ब्लोइंग पर जो मैं बोल रहा हूं आपको कि ट्वीट 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 में आपके साथ जाती हुए हैं क्या 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 जाती हुआ मैं अगर ट्वीट 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 हीरो होते होते मैं होते तो मैं आपको अपनाते में दोस्त को छोड़ देते सो स्वीट देखो दोस्त अपनी जगह होता है प्यार अपनी जगह होता है अच्छा दोनों जगह होते तो सो कौन रहा होता है सच्चाई यह है कि बच्चा जो है प्यार से पैदा होता है दोस्ती से पैदा नहीं होता है ये मैं बहुत ही ज्ञान का बात पहले है आज यहाँ पे देखो मैं तुमको मुफ्त में राय दे दिए अभी तुम इस राय का पहाड़ बनाओ मैं सही में लेकिन मैं राय बहुत अच्छे देते हैं बड़ा बड़ा लोग मेरे से राय लेने के लिए आते हैं तेरे से कौन राय लेते हैं लंदन में मेरा राय लेने के लिए लोग कतार में खड़े रहते हैं फिर उनको समझाना पड़ता है कि तुम मेरे से राय लंदन में लेना चाहते हैं तो लंदन में खड़े रहो कतार में क्यों खड़े रहो ये देखो मेरे को लगता है मेरा राय लेने के लिए किसी फोन किया है मेरे को किधर गए पॉकेट में ओ माय गॉड लंदन का प्रिंस पॉल पैट्रिक मेरे को फोन कर रहे हैं ये पॉल पैट्रिक ना देखो अपना पैतृक संपत्ति को पकड़ के रखो जाने मत दो आज से देखो मेरा बात तू सुन पॉल तू जानवर पॉल या ब, 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 कोई हाथी पॉल घोड़ा पॉल तो कोई जो पॉल ना पॉल लेकिन लेकिन गलत फहमी मत पॉल दोस्त तुम्हारा पैतृक संपत्ति तुम्हारा है पकड़ के रखो चलो लंदन के बात करेगा मैं फोन काट रहा है आयुष्मान ये अच्छा ज्यादा थोड़ा सा ऐसा ही है ओए अच्छा चल दफा हो जाए यहाँ से हाँ। कौन सा दफा हो जाए 307 302 बताओ मुझे सोनी के ताजी रातें हिंद अभी तुम्हारा चुप क्यों निकल गए बताओ मुझे लेकिन सर वैसे फ्रैंकली मेरे को अभी जाने के होए गए मेरे को एक वीडियो कॉल अटेंड करना है मुझे ब्रायन लारा दत्ता का फोन आने वाले है ब्रायन ब्रायन लारा अलग है और लारा दत्ता अलग है नहीं वो दोनों शादी नहीं किए तो अलग कैसे हो गए अबे ब्रायन लारा जो है वो क्रिकेटर है और लारा दत्ता जो है वो एक्ट्रेस है तो उसमें क्या है यार विराट कोहली भी क्रिकेटर है अनुष्का शर्मा भी एक्ट्रेस है लेकिन दोनों शादी किए ना तो जरूरी थोड़ी ना है कि क्रिकेटर और एक्ट्रेस शादीशुदा हो अब जैसे धोनी है उन्होंने एक्ट्रेस से शादी नहीं की है शादी नहीं किया तो धोनी का बच्चे किधर से आए अबे मतलब है हीरोइन से नहीं शादी किया उन्होंने काम लड़की से शादी किया है तुम आम को भी लड़की बना दिया है ये देखो कैसा आदमी है यार अब तक तो इंसान पे था अभी तुम फ्रूट्स को भी लड़की बना रहा है चल क्या रहा है दोस्त भाग यहां से तो इतना दम लगा के चिल्लाओ नहीं मेरे ऊपर कहीं तुम्हारा हाइशन निकल जाए सर मेरे को अभी एक्चुअली जाने पड़ेंगे तो ही चलता है पूरा सर थैंक यू भाई मैं अभी जा रहा हूँ वो तो मुलाकात होएगा ये ब्रो लव यू किंग ये ब्रो मिलते हैं सर ये थैंक यू ये ब्रो पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें